चकबस्त से टाइमर राउंड का पहला सवाल ये रहा आपके सामने। मरकजा के इर्द गिर्द घूमने वाले पार्टिकल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन तो देने दीजिए आप तो। ठीक है, ये रहे आपके ऑप्शंस। पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन 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 को लॉक किया जाए। सही जवाब है आपने, ऑप्शन से पहले ही जवाब दे दिया। अगला क्वेश्चन टीम जिगर के लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला कौमी अवार्ड किस फिल्म को मिला था? और आपके ऑप्शन है श्याम की आई, आलम आरा, मदर इंडिया या मुगले आजम। प्लीज साइलेंस रहे 4 सेकंड। टाइम खत्म होता है और हम देखेंगे कि सही आंसर क्या है इसका। श्याम जी आई इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन टीम यूसुफी के लिए ये रहा आपके सामने। वंदे मातरम ये गीत किसने लिखा? आपके ऑप्शन हैं ये ए आर रहमान, बेगम चंद चटर्जी, पंडित ब्रिज मोहन या रविंद्रनाथ टैगोर। चटर्जी नाम उनका। और देखते हैं सही आंसर क्या है। बहुत बहुत मुबारक सही जवाब। अगला क्वेश्चन टीम चकबस्त के लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ये अमृतसर लाहौर एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस या रावलपिंडी एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस। श्योर है आप? इसका एक और नाम है पता है आपको? ठीक है, देखते हैं समझौता एक्सप्रेस सही है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब। इसे फ्रेंडशिप एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन जिगर के लिए ये रहा आपके सामने। एशियन गेम्स सबसे पहले किस शहर में मुनक्किद हुआ? आपके ऑप्शन हैं ये बीजिंग, टोक्यो, लाहौर या न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली को फ्रीज किया जाए। देखते हैं आपका जवाब सही है या गलत। बिल्कुल सही जवाब है, आपको मिलते हैं 10 मार्क्स। अगला क्वेश्चन टीम यूसुफी के लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किस सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के वाक्य के सच होने की गवाही दी थी? और आपके ऑप्शन है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला या हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला। प्लीज के जैसे आंसर को देखते हैं आप सही आंसर इसका क्या है। बहुत बहुत मुबारक सही जवाब। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन टीम चकबस्त के लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 2015 का ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? आपके ऑप्शंस हैं राफेल नडाल, रॉजर फेडरर, एंटी मरे या नोवाक जोकोविच। 2015 हाल ही में हुआ है ये मुकाबला। राफेल नडाल। देखते हैं सही है या नहीं। गलत जवाब। सवाल पासिंग का नहीं था, नोवाक जोकोविच। अगला सवाल जिगर टीम के लिए ये रहा आपके सामने। हिंदुस्तान की किस रियासत में कॉफी की पैदावार सबसे ज्यादा होती है? कर्नाटक। बहुत ही जहीन बच्चे आए यहाँ पर, ऑप्शन आने का इंतजार भी नहीं कर रहे। ऑप्शन दिखाइए, आसाम, केरला, नागालैंड या कर्नाटक। कर्नाटक फ्रीज किया जाए। देखते हैं आप इतने कॉन्फिडेंस से बोले तो सही होगा। ऑप्शन आने का वेट कीजिए, जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन टीम यूसुफी के लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम की मिसाल नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम इन शॉर्ट ओएस भी बोल सकते हैं। और आपके ऑप्शंस हैं विंडोज, मैकिंटोश, पास्कल या लिनक्स। पास्कल। श्योर है? पास्कल को प्लीज किया जाए। देखते हैं सही है या नहीं। बहुत बहुत मुबारक। पास्कल एक लैंग्वेज है, बाकी तीनों जो है वो ओएस है। तो यहाँ पे टाइमर राउंड खत्म होने का हम देखेंगे कि स्कोर क्या हो गया। चकबस्त 20 मार्क्स जिगर 20 यूसुफी 30 मार्क्स के साथ लीड पर है।
अगला राउंड ऑडियो विजुअल का रहेगा। ऑडियो विजुअल राउंड का पहला सवाल चकबस्त। एक मिनट, ये जो बच्चे यहाँ वहाँ जा रहे हैं तो थोड़ा अपनी जगह पे बैठ जाए थोड़ी देर के लिए, जब एक राउंड हो जाए तब आपको जो भी जरूरत है वो मुकम्मल कर लीजिए। फिलहाल जब तक क्वेश्चन आंसर चलते हैं अपनी जगह पर बैठे रहिए। पहला राउंड लगभग खत्म होने को आ गया है तो आप थोड़ी देर के लिए नज्म ज़ब्त कायम रखें, ठीक है। तो टीम चकबस्त आपके लिए ऑडियो विजुअल राउंड का पहला सवाल ये रहा आपके सामने। इस शख्सियत को पहचानिए, खिलाड़ी को। पांच सेकंड है आपके पास। आपका वक्त खत्म हो रहा है यहां पर। कुछ अंदाजा कुछ गेस कर सकते हैं कौन हो सकते हैं? नाम तो नहीं, वेस्ट इंडीज। नहीं, नाम नाम क्या है इसका? नाम आंसर देखते हैं इसका। इसका सही जवाब है टाइगर वुड्स, गोल्फ के बहुत मशहूर खिलाड़ी है। थोड़ा क्रिकेट के अलावा और किसी में ध्यान दिए होते तो आज ही आंसर दे सकते थे। अगला क्वेश्चन टीम जिगर के लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपको पहचानना है ये शख्सियत कौन है? सात सेकंड बाकी है। तीन दो एक। हम देखना चाहेंगे इसका आंसर क्या है। कपिल सिब्बल ये है, एमपी है, अभी मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी रह चुके हैं और कांग्रेस की एक बहुत ही मशहूर जानी मानी शख्सियत है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन टीम यूसुफी के लिए आपकी स्क्रीन पर। आपको पहचानना है ये तस्वीर किनकी है? थोड़ा गेस अंदाजा यहाँ पेपर में अगर नजर दौड़ाए होती तो दो सेकंड में आंसर आ जाता। नहीं पता और किसी टीम को? आंसर देखेंगे हम अब इनका आंसर क्या है। सही जवाब है शशि थरूर, ये भी कांग्रेस के एक बहुत ही जाने माने शख्स है। अगला सवाल, अब बढ़ते हैं चकबस्त। टीम चकबस्त के लिए ऑडियो विजुअल राउंड का पहला सवाल ये रहा। इस मशहूर शख्सियत को पहचानिए। ऑप्शंस वाले जवाब में आप ऑप्शंस का इंतजार नहीं करते, यहाँ ऑप्शन नहीं दे रहे तो आप दो सेकंड आपका वक्त खत्म होता है। और किसी को बताएं? नहीं, स्कूलों में तस्वीर लगी होगी अगर आपकी स्कूल में वैसा इंतजाम होगा, नहीं तो हमने तो बहुत सारे स्कूलों में इनकी और बहुत से शोरा की तस्वीरें देखी है। सही जवाब, इसमें भी ऑप्शन देना शुरू कर देंगे तो आप लोग जवाब देने लगोगे। चलो ठीक है, असल जवाब देखते हैं क्या है। परवीन शाकिर, बहुत ही हमाया नाम है ये उर्दू शायरी में। पता है गेस भी है तो बोल दीजिए, ऑडियो विजुअल है, गलत हुआ भी तो मार्क्स नहीं कटेंगे। अगला क्वेश्चन टीम जिगर के लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये स्ट्रक्चर, ये इमारत पहचानना है, इसका नाम क्या है? नाम जो भी आता है मन में बोल दीजिए, पांच सेकंड टाइम। गोल गुंबद। गोल गुंबद क्रीज किया जाए, तो ये गेस था या पता था? आपने अंदाजा लगाया या सचमुच पता था? अंदाजा लगाया। ठीक है, देखते हैं इसका सही आंसर। सही अंदाजा लगा आपका, 10 मार्क्स मिला दिया आपको। टीम यूसुफी के लिए ऑडियो विजुअल राउंड का अगला सवाल पेश किया जाए। इस लोगो को पहचानिए, किस कंपनी? क्या बात है, इस बार भी ऑप्शन की जरूरत है। स्नैपडील, जवाब दायित्व किया जाए। स्नैपडील ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एप्लीकेशन और वेबसाइट है जिसके ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान है। यहाँ पे ये राउंड खत्म होता है, अब हम देखेंगे कि स्कोर क्या हुए। इकबाल सर, हाँ, ये चकबस को 20 पॉइंट्स मिले हैं, जिगर को 30 पॉइंट्स और यूसुफी को 40 पॉइंट्स। नाश्ते और पानी का भी इंतजाम हो चुका है तो जान आप में आ रही होगी, तो उस हिसाब से ताली बजाइए कि लगे कि यहाँ पे लोग मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन पासिंग का आपको रूल पता है, सही जवाब प्लस 10, गलत माइनस 10, और पास होके जाता है तो सही प्लस 10, गलत माइनस 10। 15 सेकंड टाइम है,
नहीं नहीं मार्क्स नहीं कटेगा, पास कर दिए या नहीं भी जवाब दिए तो मार्क्स नहीं कटेगा, अगर आपने जवाब दिया और गलत रहा तो मार्क्स कटेगा। जिस टीम को पास किया जाएगा उसको सोचने के लिए वक्त नहीं दिया जाएगा, उसको फौरन जवाब देना है या अगली टीम को पास कर देना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन टीम चकबस के लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किस कंपनी ने माउस को बतौर इनपुट डिवाइस मुतारफ कराया? माउस कंप्यूटर का इस्तेमाल होने वाला, पास जिगर, टाइम नहीं आपके पास, आता है तो हाँ या नहीं, ये तो आगे। माइक्रो सिस्टम, माइक्रो सिस्टम श्योर है? नहीं नहीं। अगला यूसुफी, एप्पल कॉर्पोरेशन श्योर है? देखते हैं एप्पल कॉर्पोरेशन सही है या नहीं, बहुत बहुत मुबारक, 10 मार्क्स मिलते हैं। इन्होंने कंफर्म नहीं किया, पास नहीं। तो अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं, जिगर टीम जिगर के लिए ये रहा आपके सामने सवाल, भारत की मौजूदा वजारत खारजा ओहदे पर कौन मामूर है? भारत की मौजूदा वजारत खारजा टाइमर, सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज श्योर है आप? सोच लीजिए एक बार और। यस फ्रीज किया जाए, फ्रीज किया जाए इसको, देखते हैं सही है या नहीं, बहुत बहुत मुबारक, 15 मार्क्स मिलते हैं आपको। अगला क्वेश्चन यूसुफी के लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आलम आरा के हिदायतकार का नाम क्या है? आलम आरा सुभाष भाई श्योर है आप? यस फ्रीज किया जाता है सुभाष भाई, और अब हम देखते हैं सही है या नहीं, अर्थ शेर ईरानी गलत जवाब है, सुभाष भाई तो बहुत बात के, आलम आरा पहली बोलती फिल्म थी तकरीबन 1931 की, जब सुभाष भाई शायद पैदा भी नहीं हुए। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल चकबस्त के लिए पेश किया जाए, बतौर हिदायतकार आशुतोष ग्वारिकर की पहली फिल्म का नाम क्या है? आशुतोष ग्वारिकर दस सेकंड है आपके पास, आशुतोष ग्वारिकर जिगर नहीं पता, यूसुफी पास, देखते हैं हम अब इसका जवाब क्या है। नहीं नहीं अगला अगले ऑडियंस राउंड को बाद में मौका दिया जाएगा, देखते हैं आंसर क्या है। पहला नशा इनकी पहली फिल्म स्वदेश के लिए डायरेक्टर रहे शाहरुख खान की जो फिल्म थी। अगला क्वेश्चन टीम जिगर के लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा, साइंस की किस शाख में हम जानवरों के बारे में पढ़ते हैं? साइंस की किस शाख का नाम चाहिए वो जिसके बारे में हम पढ़ते हैं? इल्म हैवानियत, इल्म हैवानियत प्रेस किया जाए, ठीक है देखते हैं अब सही जवाब क्या है। इल्म हैवानियत सही है, इल्म हैवानियत थोड़ा गलत जुमला था। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल यूसुफी के लिए, काजीरंगा नेशनल पार्क हिंदुस्तान की किस रियासत में वाक है? आसाम। आसाम देखते हैं इसका जवाब सही क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन अब टीम चकबस्त के लिए, गोदावरी नदी किस संत में बहती है? मशरिक की तरफ श्योर है पक्का, क्रीज किया जाए, देखते हैं सही है या नहीं, बहुत बहुत मुबारक, 10 मार्क्स मिलते हैं, 15 मार्क्स मिलते हैं सॉरी आपको। टीम जिगर के लिए बहुत ही मशहूर नारा है ये, देखते हैं इंकलाब जिंदाबाद, इस नारे का बानी कौन है? बोलिए हसरत मोहानी। हसरत मोहानी देखते हैं जवाब का, इतना कॉन्फिडेंस से बोले तो सही ही होगा, जवाब दिखाइए, बिल्कुल सही जवाब है, आपको मिलते हैं 15 मार्क्स। अगला क्वेश्चन टीम यूसुफी के लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सूरज से जमीन पर हरारती तवानाई किस अम्ल के जरिए पहुंचती है? वो अम्ल का नाम बताना है आपको, ज़ियाई तालीफ। ज़ियाई तालीफ ताबकारी अम्ल श्योर है आप? फ्रीज किया जाए, देखते हैं सही है, बहुत बहुत मुबारक सही जवाब, आपने जो बोल दिया था तो अभी हमको ज़िया सर की तरफ रुजू करना पड़ता कि उसको ताबकारी अम्ल कुछ और भी बोलते हैं या वही नाम। अगला क्वेश्चन, इससे पहले अभी आखिरी तीन क्वेश्चन बचे हैं तो हम स्कोर देख लेते हैं क्या हुआ है। सर टीम यूसुफी
टी यूसुफी को 70 मार्क्स, जिगर को 75, 5 मार्क्स आगे, चकबस्त को यूसुफी, अच्छा यूसुफी को 70, यूसुफी को 70, जिगर को 75 और चकबस्त को 35। तो कांटे की टक्कर आखिरी है, अगर आपने सही किया तो आप आगे रहेंगे, नहीं तो फिर अगला क्वेश्चन, अगला सवाल टीम चकबस्त के लिए ये रहा आपके सामने। यूपीए किसका मुखफ्फफ है? यूपीए किसका मुखफ्फफ है? सियासत तो पहुंच गए आप, लेकिन आंसर तो भी आना चाहिए। न्यूज वगैरह में सब नाम तो चलते ही रहते हैं, मतलब मुंह पे रहना चाहिए सब नाम। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलायंस। श्योर? कहाँ पढ़ा था आपने, बुक में या न्यूज़पेपर? बुक में। न्यूज़पेपर में नहीं, ठीक है, तो देखते हैं सही है या नहीं। बहुत बहुत सही रहा यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलायंस। अगला क्वेश्चन टीम जिगर के लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मशहूर डायलॉग, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते, किन पर लिखा हुआ है? अत्तरुल ईमान। जिगर से क्वेश्चन था, अत्तरुल ईमान, अत्तरुल ईमान क्रीज किया जाए, देखते हैं सही है या नहीं। बहुत बहुत मुबारक, सही बात, उनको पास होने क्वेश्चन आया था, तो अगला क्वेश्चन भी उनसे जाएगा, उसके बाद आपसे, ठीक है? वैसे भी उनको पता था तो उसमें कुछ मैटर नहीं। टीम यूसुफी के लिए ये रहा आपका सवाल, इस शेर का शायर का नाम बताइए। अजब अपना हाल होता जो विशाल यार होता, कभी जान सदके होती कभी दिल निसार होता। दाग दहली भी। टाइम रोक दिया जाए, देखते हैं सवाल का जवाब क्या है। बिल्कुल सही जवाब है, सही जवाब है। इकबाल सर से गुजारिश करेंगे कि वो फाइनल स्कोर बता दें टीमों के। चकबस्त को 35 मार्क्स में 35, चकबस्त 35 और यूसुफी को 85 मार्क्स में 85 और जिगर 100 पॉइंट्स के साथ। बहुत मुबारक यूसुफी टीम को।